दोस्तों आईपीएल 2021 के लिए सभी टीमों ने अपने रिलीज प्लेयर और रिटेन प्लेयर की लिस्ट जारी कर दिया। जहां सबसे ज्यादा प्लेयर किसी टीम ने रिलीज किया तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर सिर्फ 12 प्लेयर ही रिटेन किए, बाकी सारे प्लेयर्स रिलीज कर दिए हैं। रिलीज करने वाले में ऑरन फिंच, मोइन अली जैसे बड़े प्लेयर भी शामिल है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम का। किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने टोटल 7 प्लेयर रिलीज किए हैं, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स को रिलीज किए हैं। एक प्लेयर ऐसा भी है जिसको टीम ने 10 करोड़ से ज्यादा में खरीदा था। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों आइए चलो देखते हैं सबसे पहले रिलीज प्लेयर किंग्स इलेवन पंजाब के। ग्लेन मैक्सवेल, शेल्डन कॉटरेल, करुण नायर को भी इस टीम ने रिलीज कर दिया, के गौतम, मुजीबुर रहमान जो काफ़ी सालों से किंग्स इलेवन पंजाब के साथ जुड़े हैं लेकिन उनको भी रिलीज कर दिया है किंग्स इलेवन पंजाब ने, हरदुस विजलोनी, जिमी निशम, ये टोटल 7 खिलाड़ी हैं जिसको किंग्स इलेवन पंजाब ने रिलीज किया है। दोस्तों जहां ग्लेन मैक्सवेल और शेल्डन कॉटरेल 10.75 करोड़ और 8.25 करोड़ में आईपीएल 2020 के सीजन में बिके थे, तो ये दोनों को रिलीज करने के बाद सबसे ज़्यादा पैसे किंग्स इलेवन पंजाब के पास बचे हुए हैं। वहीं टोटल स्लॉट भी इस टीम के पास काफ़ी ज़्यादा खाली है और ये टीम काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स पे दाव लगा सकती है, जिनमें सबसे बड़ा नाम है डेविड मलन का और दूसरा जो नाम है मिचेल स्टार्क का है। जहां मिचेल स्टार्क को ये टीम 15 करोड़ में भी खरीद सकती है क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इस टीम के पास है, 53.2 करोड़ रुपीज़ है। इतना पैसा तो किसी भी टीम के पास नहीं है, सबसे हाइएस्ट इसी टीम के पास है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास भी 34 करोड़ रुपीज़ ही है। अब देखना ये होगा कौन सी टीम पर किंग्स इलेवन पंजाब दाव लगाने वाली है। वही बता दूं आपको, आईपीएल 2021 में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो साकिब उल हसन हो, मिचेल स्टार्क हो, डेविड मलन हो, जॉय रूट हो, ऐसे प्लेयर्स आईपीएल 2021 के सीजन में शामिल होने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है कौन सी टीम कौन से बड़े प्लेयर्स को खरीदने वाली, या फिर किंग्स इलेवन पंजाब कौन से खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करेगी, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे आईपीएल 2021 के सीजन में भी केएल राहुल ही कैप्टन करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।